नमस्ते भाव लोग सबका एंड वेलकम बैक टू चैनल आर एस कंटेनमेंट ब्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ वाशी में, जहाँ पे कार के एक्सेसरीज का काम होता है और वायरिंग वायरिंग के है लोग। तो वहाँ पे अभी मैंने दो प्रॉब्लम्स इनको बता दिए। एक तो मेरा वो सेंसर का प्रॉब्लम था जो रिमोट वाला मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, और दूसरा मिरर का जो अपना ओ वी आर एम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रहा। कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि एक चूहे का मुझे इशू था, तो ये चूहा था इसमें, गंदे की पड़ी है यहाँ पे। बाकी वही वायरिंग चेक कर रहे हैं अभी, अगर वायरिंग का कोई इशू है तो पता चल जाएगा। तो इसमें जो माइनर प्रॉब्लम्स है वो चार है मैंने जो नोटिस की थी। एक तो वो मिरर का जो घूम नहीं रहा है लेफ्ट राइट अंदर वाला, फिर रिमोट अपना नहीं चल रहा है, और वो जो मैंने बोला म्यूज़िक सिस्टम का ना एक लाइट नहीं आ रहा डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले आ रहा है बटन्स की लाइट नहीं आ रही। और एक फोर्थ वाला जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम है, जैसे चेक किया था हमने तो नेकेड आई से तो नहीं दिखा था हमको। कल जब मैं नाइट्रोजन डाल रहा था तो ये टायर फ्लैट हुआ, तो ये पूरा खुल गया था, ये इसमें इतना बड़ा कट है। बाकी सब टायर भी, सब टायर मैंने उसके बाद चेक किए तो ओके है, लेकिन वो टायर में कट है। तो अच्छी स्पीकर्स का मुझे ज़रा चेक करना, अभी बजट नहीं अपने इतना, तो माइनर काम कर लेंगे पहले। के साथ में आएगा, महंगा रहेगा ना वो तो, कितने का? वायर के साथ में रहेगा, लॉक भी रहेगा वायर भी रहेगा। अच्छा, ये फिलहाल ये लगा दो ना टेम्परेचर, उसको तार को ये कर दो ना, इसका वो खींचने में तकलीफ होता है। अपना जो है रिमोट की का इशू है बोल रहे हैं वो, अभी है बुलाने के लिए किसी को, बोल के रखिएगा। जो मुझे डाउट था कि चूहे ने शायद तो वो कांच का वायर वायर खाया रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, चूहे ने कुछ भी नहीं कहा था, सारे वायर सच्चे हैं। तो शायद तो जो लिप्स का इशू है वो चेक कर रहे हैं अभी, देख सकते हो अब कहीं पे भी चूहा क्या कोई बाइट ही नहीं है, सब प्रॉपर है। इसको स्कैन करके देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम निकला चाबी का? आपके चाबी का ही प्रॉब्लम, मेन चाबी का रिमोट ही खराब है। रिमोट ही खराब है। हम लोग ने इतना ऑलमोस्ट एक घंटे से भाई दो डिवाइस चेंज कर चुके हैं, दूसरा है पहले वो उसके ऊपर आईपैड पे कनेक्ट करके देखा सब, दूसरा डिवाइस पे भी चेक किया तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन अपना जो ओरिजिनल की का जो रिमोट था वही खराब है। अभी पूरा बार्गेनिंग करके भाई अपने को 2000 में करके दिए। तो ये बना लिए हमने न्यू की, इस तरीके से कुछ खुलती है, और इसका दिखा दूं मैं आपको पावर लॉक अनलॉक का, आप देख सकते हो यहाँ पे तो जैसे पहले ये लॉक नहीं होता था, अब इजीली लॉक अनलॉक हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम था वो पुरानी चाबी के रिमोट में ही था, तो ये रिमोट प्लस की बन चुकी है अपनी। सो ये की का कॉस्ट जो मुझे पड़ा वो टोटल था 2500, भाई ने बार्गेनिंग करके भी नहीं माने, 2500 पूरे ले लिए। तो अब मैं आया हूँ अपना म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करने, मतलब मेरे क्विड में जो लगे हुए थे बूफर और एम्पलीफायर वही हम इसमें लगाएंगे, और साथ ही मैं जो इसका पैनल टूटा था जिसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया था, वो पैनल ऑलरेडी आरिफ भाई ने जो अपने पहले के ओनर थे उन्होंने लेके रखा था, तो वो पैनल भी हम साथ ही में चेंज कर देंगे। तो यार अंदर से अभी ये पैनल खोल दिया, सही बंदा है, सही काम कर रहा है,
मतलब मेन पता इससे चलता है कि भाई जब खोलना चालू करता है ना उससे पता चल जाता है बंदे को काम पता है या नहीं पता। वो बोला ये पैनल में मैं ज़्यादा हाथ नहीं डालता हूँ, लेकिन कर देते आपके लिए, तो अभी कर रहा है वो चेंज एंड होपफुली वो लगने के बाद जो अंदर से टूटा फूटा लग रहा था वो थोड़ा सा थोड़ा क्या पूरा ही कम हो जाएगा, वही पार्ट टूटा था अपना। क्या अपना पैनल चेंज करके हो गया है, वायरिंग का काम चल रहा है, बेस लगाया मैंने पीछे अपने क्विड में, बेस लगा हुआ तो ऑलरेडी वही सबने निकाल के रखा था, तो इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। यार पैसे उधार मांगने की नौबत आ गई यार, ठीक है कोई नहीं कमाएंगे फिर से कमाएंगे। सो फ्रेंड्स हो गया था कल बहुत ज़्यादा लेट, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, बस स्टार्ट ही क्या हो गया फिर। हाँ तो हुआ था बहुत ज़्यादा लेट और आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड और मेरा फेस भी इतना क्लमजी हो गया था। तो हमने कल क्या क्या किया, पहली बात तो हमने ये जो मेरा टूटा हुआ था आपने देखा, मैंने दिखाया हुआ था, तो ये मैंने चेंज कर दिया, प्लेयर पूरा चेंज कर दिया एंड अपने पीछे डिकी में जो है जो आपने वायरिंग वायरिंग का देखा तो वो बूफर मैंने लगा दिया है। ये बूफर प्लेस कर दिया हमने, बड़ा अच्छा बज रहा है। अभी सीन ऐसा है कि मैं बजा के नहीं बजा सकता बिकॉज मेरे पास एक ही मोबाइल है अभी जिस पे मैं शूट भी कर रहा हूँ। अपने मिरर का जो कांच का जैसे मैंने बोला ये बंद चालू अंदर बाहर हो रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो कांच है वो उसका मोटर काम नहीं कर रहा, तो उसका मोटर खराब हो गया, तो उन्होंने बोला यूज मार्केट में जाके आपको मोटर ढूंढना पड़ेगा या तो रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर का चार्जेस उन्होंने बोला 1500 रुपये, मतलब छोड़ दो राइट हैंड का है हाथ से भी मैनेज हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज डन। एक प्रॉब्लम आया मुझे, उन्होंने चेक किया उससे, उसके बाद से मेरे एसी के जो मोड्स थे ये मोड हाँ, तो ये मोड में ना क्या कहते हैं इसको, पैर में जो हवा आता है वो ब्लोअर बंद हो गया। अब मैंने उनको बोला कि ये चालू था, इट्स नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो कैसे मेरी अभी मैंने प्लान किया था कि यार यूज्ड कार है अपने को इसका हिस्ट्री नहीं मालूम अच्छे से, तो आज मैं इसका जो मेन सर्विस होता है वो करवा रहा हूँ, बहुत सी चीजें उसमें चेंज होती है, तो ये करने के लिए मैंने गो मैकेनिक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो लेट्स सी उनका सर्विस कैसा मिलता है मुझे। और नेक्स्ट व्लॉग है अपना जो गो मैकेनिक का होगा फॉर आर सिविक न्यू सेकेंड हैंड सिविक, तो लेट्स एंड ये व्लॉग तो खत्म कर देते हैं यहाँ पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम एंड टेक केयर।